यहाँ पे जितने भी किसान हैं उन किसानों को दिखा देंगे। इतना डैमेज हुआ है फसल कि हमारे किसान अभी भी रो रहे हैं। खाद जो लिए खाद को भी नहीं है, पानी ही नहीं गिरा तो कहाँ से बोएंगे। मेरा सब गाय बैल सब चर चुका है मेरा, अभी लोग टट्टी वट्टी बैठ रहे हैं जमीन पे। मेरा 6 एकड़ में 6 दाना का यानी कि खेत धान नहीं मिल पाएगा। किसी प्रकार का और जीने का जरिया और माध्यम नहीं है हमारे पास। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी, आज हम झिरीपानी जो मंडी है झिरीपानी मंडी परिसर में मौजूद है। झिरीपानी मंडी परिसर में किसानों ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं उन किसानों को दिखा देंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो झिरीपानी मंडी में आज झिरीपानी डूमरवाल केंदुबन सुपेबेड़ा आज सेनमुड़ा कोक्सा मोटरापारा खमारगुड़ा खिरलीगुड़ा के साथ साथ जो सागन भाड़ी के करीब करीब 200 किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 200 किसानों ने आपस में बैठक का आयोजन किया है। बैठक के दौरान क्या कुछ डिसीजन लिया गया है, क्या कुछ बातें की गई, आखिर किसान क्या चाहते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर किसानों से बातचीत करेंगे। मेरे कैमरा में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि जो सूरज की तपिश भी थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ा सा हालांकि गर्मी का मौसम नहीं है लेकिन यहाँ पर जो सूरज की तपिश है वो तपने लगी है, लेकिन उस बीच भी किसान अपने घर से यहाँ पर बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ किसान बंधु मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, आप कहाँ से हैं भैया और यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं झिरीपानी का भैया। इस साल पानी नहीं गिरने पर धान मंडी बंद करेंगे बोल के 9 गांव बैठक करके आए हैं। बैठक करके निर्णय लिया गया है इस साल धान नहीं बेचेंगे बोल के। धान तो हुआ ही नहीं, पानी तो गिरा ही नहीं, बरसात तो हुआ ही नहीं, इसलिए धान नहीं खरीदेंगे बोल रहे, नहीं बेचेंगे बोल रहे। अच्छा एक चीज बताएंगे, आप कहाँ से आते हैं और बैठक के दौरान क्या कुछ डिसीजन लिया गया है? मैं सिनमुड़ा से गिरधारी मरकाम हूँ कि इस साल बारिश के कारण सब किसान परेशान है और हम लोग यहाँ बैठक और निर्णय लिया गया कि इस साल बारिश नहीं हुआ इसलिए मंडी में धान नहीं देंगे बोल के सब किसान पूरा निर्णय लिए हैं और इसी आयोजन में सब उपस्थित हुए हैं। अच्छा भैया एक चीज बताएंगे, आप कहाँ से आते हैं और कितने गांव के किसानों ने ये बैठक में निर्णय लिया कि हम धान नहीं बेचेंगे? मैं सुपेबेड़ा से जयकृष्ण नागेश जी हूँ। यह अपना समिति में 10 गांव आता है और 10 गांव से करीब करीब 2 दिन बैठक चली, उसमें से 400 किसान उपस्थित थे, आज फिलहाल 200 किसान उपस्थित हैं। आज ये बैठक में निर्णय लिया गया कि सुपेबेड़ा सेनमुड़ा निष्टिपुरा ये समस्त समिति के जितने भी गांव आए हैं इस क्षेत्र में बारिश कम हुआ, पहले धान बोए थे ना रोपा किए ना ब्यासी मारे, खाद लिए हैं खाद भी नहीं बोए हैं, तो बारिश बाद में हुआ तो फसल नहीं होने के कारण हम ये निर्णय लिए हैं कि मंडी में हम धान नहीं दे पाएंगे करके। अच्छा अब यह एक चीज बताइए, करीब करीब 10 गांव के कितने किसान हैं जो धान नहीं बेचने के आप लोगों के निर्णय में शामिल होंगे? 100% में से तो 90% यहाँ आए थे सब माने धान नहीं देंगे ऐसे करके बोले हैं। लगभग कितने किसान है भैया टोटल? लगभग 1260 किसान है, उनमें से सबका राय यही है कि हम धान नहीं दे सकते हो करके। मतलब इस साल खेतों में धान ही नहीं है? धान भी नहीं है सर, और जो भी थोड़ा सा बहरा टाइप का हुआ है वो खाने लायक है, बेचने लायक नहीं होगा। अच्छा दादा एक चीज आप बताइए, जैसे कि अन्य लोगों से हमने जब बातचीत की उनका कहना है कि हल्का सा धान हुआ खाली खाने लायक होगा, जब बीच में जब पानी गिरा था तो क्या उस दौरान अभी फसल आप लोग का नहीं बच पाया था क्या? देखिए मैं गणेश हंसराज बोल रहा हूँ कि फसल किसान जो धान कमाते हैं तो उसमें जो है धान होने का जो समय होता है वो जुलाई अगस्त, ये तो पानी जो गिरा है सितंबर 20 तारीख को बदली छाया 22 तारीख को जो है पानी गिरा है। ये बताइए पत्रकार महोदय, 22 सितंबर को रोपा ब्यासी होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हम जितने भी किसान हैं वो गाँव में पारा में सब चर्चा किए और चर्चा करने के बाद जो है कल से यहाँ मीटिंग रखी, मीटिंग रखने के बाद जो है हम ये फैसला लिए कि धान तो है नहीं, अब धान है तो कहाँ से, धान नहीं तो कहाँ से ला कर बेचेंगे, ये सोच के जो है हम एक यूनियन बनाए और यूनियन बना के जो है ना निर्णय लिया कि हम झिरीपानी समिति में धान नहीं दे सकते। दादा कौन से गांव से आते हैं और आपके गांव में अभी खेती किसानी की क्या स्थिति है? हमारे मैं ग्राम डूमरवाल ग्राम पंचायत डूमरवाल से हूँ,
और खेती किसानी जो है आप देखेंगे तो बेहतर हो गया है। इतना डैमेज हुआ है फसल कि हमारे किसान अभी भी रो रहे हैं, क्या बताएं, किसानों की हमदर्दी जो है कोई नहीं सुन पाता। अच्छा आप एक चीज़ बताएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग का फसल खराब हो गया, जिस समय समय पानी की जरूरत था पानी नहीं मिल पाया, यदि आप लोग यहाँ पे धान नहीं बेचेंगे, धान नहीं बेचने के बाद जो फसल क्षतिपूर्ति जो बीमा मिलता है, क्या उस बीमा से आप लोग का जितना खर्चा है वो खर्चे का भरपाई हो पाएगा? नहीं हो पाने से भी कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से तो मिलेगा, जैसे कि सब तो जल गया है, जलने के बाद पानी गिरा तो कोई ये नहीं है, हो तो नहीं पाएगा, इसलिए हम पूरा चर्चा किए हैं और जितना भी हमारे गाँव 10 गाँव आता है इसी झिरीपानी मंडी में, सब बैठ के यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि ये इस साल तो कर्जा उठाए हैं, जितना खतु भी लिए हैं, धान भी लिए हैं, इसलिए तो कुछ नहीं हुआ हमारी ज़मीन पर, तो इसलिए हम दे नहीं पाएंगे। ये हमारे प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? तो फसल बीमा हमको मिलना चाहिए, और जिस समय धान बोते समय हमको बीज मिलना चाहिए, जो जितना राशि सहयोग से मिलता है सरकार तरफ से वो होना चाहिए हमको। अच्छा एक चीज़ बताइए भैया, आप कितना एकड़ में आप धान बोए थे? मेरा 7.5 एकड़ में। कितना खर्चा आया था आपका? माने 1 एकड़ प्रति कम से कम 10 से कम नहीं होगा, लगभग 70,000 रुपये आपका खर्चा आया था। हाँ 70,000-1,00,000 का खर्चा हो गया था। अभी आपके खेतों में फसलों की क्या स्थिति भैया? 10% भी नहीं है मेरे यहाँ। आपका कितना नुकसान हुआ? 10% समझ लो 1.5 लाख तक वही खर्चा आ जाएगा पूरा। टोटल 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा? हाँ टोटल खर्चा, खाद से ही पड़ा है, खाद जो लिए खाद को भी नहीं है, पानी ही नहीं गिरा कहाँ से बोएंगे। तो कुछ रिकवरी हो पाया क्या अभी बीच में पानी गिरा तो? नहीं कुछ भी नहीं, पीछे पानी गिरने से क्या होगा, सितंबर में पानी गिरने से क्या होगा, पहले से नहीं हुआ ना, जिस समय धान बोए उस समय ही पानी नहीं गिरा तो कहाँ से होगा, रोपा भी ऐसी कुछ भी नहीं गया है। मतलब यहाँ मान के चलिए पूरा आपका 1.5 लाख नुकसान हुआ है। हाँ 1.5 लाख इस साल तो ऐसे भी हमारे गाँव में है कि नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, जनवरी में ही पानी नहीं मिलेगा। जो फसल बीमा किए हैं वो फसल बीमा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बोल के हम गुहार कर रहे हैं, बस वही है। कम से कम 2014 में मिला था हमारे इधर निष्ठी में, जब से मंडी था उस समय 73% का हुआ था, अभी कितना देर, हमारे यहाँ तो 90% निकल है प्रधान, इसीलिए हम फसल बीमा को मान कंपनी को बोलना चाहते हैं। पटवारी लोग जब गिरदारी किए थे क्या गिरदारी की है उस समय? तो बस धान को कुछ भी नहीं हुआ था उस समय, तो रोपा बीसा कुछ भी नहीं गया था, रोपा ही नहीं गया था, मैंने बीसा ही नहीं गया था उस समय गिरदारी की थी। हाँ कहाँ धान बोए? हाँ धान बोए, बोल गिर गया है बस उतना। अच्छा कितना नुकसान हुआ अभी आपका? मेरा तो कितना एकड़ खेत है आपका पहले? मेरा 9 एकड़ है। मेरा 9 एकड़ में कितना खर्चा आता है भैया? 9 एकड़ में करीबन 170 तक खर्चा हुआ है, अभी धान का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। आपका पूरा पैसा आपका, मतलब मान के चलो इस बार ये हो गया आपको नुकसान हो गया। थोड़ा बहुत भी रिकवरी नहीं हुआ, रुपाई करने से क्या फायदा होगा, धान तो नहीं होगा ना पीछे में बाद में रुपाई करने से, बारिश तो बाद में हुआ है ना, इसलिए हम सरकार से गुहार करेंगे जो फसल बीमा हम सरकार को दिए हैं वो हमारा बीमा मिलना चाहिए, इसलिए हम बैठक किए हैं 10 गांव के लोग। और भी कुछ युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? झिरीपानी से, लवने शर्मा जी। लवने शर्मा जी, हाँ। खेती किसानी आप करते हैं भैया? हाँ करता हूँ। कितना एकड़ खेत है आपका? मेरा 3 एकड़ खेत है। कितना खर्चा किए थे भैया? मेरा 65,000 रुपया खर्चा हुआ है। 65,000 तो मान के चलिए भैया 65,000 आप खर्चा किए, कुछ पूरा नुकसान हो जाएगा आपकी, कुछ मतलब खेतों से आपको मिलेगा कुछ? मेरा सब गाय बैल सब चर चुका है मेरा, अभी लोग टट्टी वट्टी बैठ रहे हैं जमीन पे, मतलब गाय बैल पूरा चल रही है, खत्म। मेरा खेत को मैं देखने भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं यहाँ बोया था बोल के देखने नहीं गया हूँ। अच्छा आप लोग रुकिए भी, आप लोग क्यों भाग रहे हैं मेरे को देखिए, थोड़ा सा जो आप लोग के हक की आवाज है, जो थोड़ा सा आप लोगों को जो दिक्कत परेशानी हो रही है उसको लेके थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से हैं भैया? बोक्सरा से हूँ। बोक्सरा से? कितना एकड़ में आप खेती किसानी की है? मेरा 18 एकड़ है। 18 एकड़। कितना खर्चा किए थे भैया? मेरा 2.5 लाख तक। तो भैया 2.5 लाख रुपए में आपका कुछ पैसा वापस आएगा क्या आपके फसल के माध्यम से कि पूरा नुकसान है? थोड़ा वो टिकरा को जल गया है और दाना वाला है। तो कितना तक आपको वापस आने का उम्मीद है? 20% तक होगा। मतलब भैया मान के चलिए लगभग आपका 180-190 के आसपास नुकसान होगा? जी जी। फसल बीमा किए भैया? जी। क्या हूँ क्या बोल रहे फसल बीमा वाले? नहीं पता नहीं सर। तो एक और किसान है हमारे साथ, बकायदा जो किसान है वो बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, भैया बकायदा चश्मा लगा दिए हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। अच्छा भैया कितना एकड़ खेत आपका? मैं तुलाराम माझी झिरीपानी, मेरा 6 एकड़ है
अभी भी मैं किसी को बिठा के दिखा सकता हूँ, मेरा 6 एकड़ में 6 दाना का यानी कि खेड़ धान नहीं मिल पाएगा। ये मैं 6 एकड़ का किसान हूँ, और जो पानी गिरा, पानी गिरने के बाद ही मेरा जमीन में कोई धान वान नहीं था, बस गाय चर दिया अभी। तो मेरा 6 एकड़ का जमीन का किसान हूँ। कितना खर्चा किया था भैया? मेरा तो वही 10-12 एकड़ के हिसाब से होता है, 70-72 हजार रुपये मेरा ये हो गया है। 10-12 हजार एकड़ के हिसाब से? हाँ, एकड़ के हिसाब से। मतलब पूरा नुकसान हो गया? पूरा नुकसान हो गया है। कोई उम्मीद नहीं पाया? कोई उम्मीद नहीं है। और उसके बाद हम लोग जो फसल बीमा भी किए हैं, तो हम सरकार से ये कंपनी से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो फसल बीमा किए हैं का हमको मिलना चाहिए, इसलिए हम अवगत करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब 10 गांव के 150 से 200 किसान पहुँचे हैं। हमने 7 से 8 किसानों से बातचीत की, किसान आज कितना ज़्यादा परेशान है। किसानों का कहना है कि जब समय पर जब पानी नहीं मिल पाया और समय खत्म होने का, जब सितंबर के महीने में कुछ दिनों तक बारिश भी हुई थी, लेकिन उस दौरान फसल को बचाया ना जा सका। किसानों का, हमने कुछ किसानों से बात की, उनका कहना है कि स्थिति यह है कि जो खेतों की जो फसलें हैं, फसलें पूरी तरह जल चुकी है। स्थिति यह है कि अब उम्मीद तो ना के बराबर अब ना उम्मीद हो चुकी है। ऐसे में हमने खेतों में मवेशियों को छोड़ दिया है, अब मवेशी वहां पर खेतों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पर जब फसल बचा ही नहीं है तो उसे बचाने के लिए प्रयास करना भी किसानों के लिए कहीं ना कहीं नामुमित साबित हुई। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, हमने जैसे ही खबर चालू किया था, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया था, उस दौरान मेरे कैमरा में लगातार किसानों को दिखा रहे थे और मैंने पूरा ब्रीफ करके बताया था कि 10 गांव के किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब करीब 1260 किसान जो रिकॉर्डेड किसान है, झिरीपानी मंडी में धान बेचते हैं, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी कुल मिलाकर बढ़ गई है। आखिर आप समझ सकते हैं कि किसान कितने तकलीफ में है। जब किसान यहाँ पर, जब दोपहर के धूप में जब किसान आ रहे हैं, पेड़ के नीचे में किसान बैठक ले रहे हैं, तो समझ सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि किसान, आप देख सकते हैं कितनी, किस अवस्था में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी आप समझा जाए। अच्छा दादा, आप बताइए कितनी, आप कितना एकड़ में धान बोए हो? ओड़िया में भी बोलो, चलो नहीं। हाँ, तो एक किसान थोड़ा सा बोलने में कहीं ना कहीं उनके थोड़ा सा उनके अंदर झिझक है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, आप कितना एकड़ में बोए हैं धान? मैं 4 एकड़ में बोया हूँ। मैं डुमरवाल पंचायत आश्रित गांव झिरीपानी समिति की ओर से। फसल नहीं होने से आप लोग बहुत परेशान हो? जी हाँ सर, फसल जो इस साल 2023 में पूरा चौपट हो चुका है। धान पानी बारिश का अभाव के कारण जो है, जो ब्यासी रोपा समय के उपरांत न होने की बजाय पूरा तस्त व्यस्त हो गया है। धान खेती में जो है, पशु जो है अभी चरने लग गया है, किसी प्रकार का और जीने का जरिया और माध्यम नहीं है हमारे पास। इसलिए जो है सर, किसान लोग सब आके जो है अपना निर्णय बैठ के जो है इसी झाड़ के नीचे लिया जा रहा है। अच्छा अभी आप एक चीज आप बताएंगे, क्या आप लोगों ने किसी मंडी के किसी कर्मचारी को आप लोगों ने अवगत करा दिया है कि साल हम लोग धान नहीं बेचेंगे करके? नहीं, वर्तमान में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद हम लोग समिति के प्रबंधक को अभी बताएंगे। आप लोग ज्ञापन सौंपोगे भैया? ज्ञापन सौंपेंगे अभी वर्तमान में। आप कौन गांव से आते हो भैया? मैं डुमरवाल से आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पात्र है। कितना एकड़ में बोए थे भैया? मैं 5 एकड़ में बोया था। तो अभी आप लोग अवगत कराओगे? अवगत कराएंगे, मतलब ज्ञापन आप लोग सौंपेंगे अभी वर्तमान में हम लोग सौंपेंगे। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किसान कितने ज्यादा परेशान है, किसानों की तकलीफ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कहते हैं कि कुल मिलाकर जो भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के चलते आज जो क्षेत्र के किसान परेशान है, अन्नदाता इतने ज्यादा परेशान है कि अन्नदाताओं को कुल मिलाकर एक बैठक करके अन्नदाताओं को आना पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसान काफी तकलीफ और परेशानियों के बीच जो अन्न है, अन्न जो बीज है, धान बोते हैं। धान बोने के बाद कहीं ना कहीं जब खेतों में, जब खेत जब लहलहाता है, जब फसल अच्छी होती है, तो किसान के साथ साथ हर वर्ग खुश होता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि खेतों में फसल नहीं होने के चलते किसानों की जो तकलीफ है, जो परेशानी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसानों के साफ तौर पर कहना है कि कोई किसान कहता है कि मैं 5 लाख खर्चा किया हूँ,
कोई किसान कहता मैं 6 लाख खर्चा किया हूँ, कोई किसान कहता मैं 1 लाख रुपए खर्चा किया हूँ। कुल मिलाकर किसान जो राशि है, जो अपने घरों में जमा किए हुए जो पैसे हैं, कुल मिलाकर ये कहेंगे उनके मेहनत के पैसे को उन्होंने खेत में लगा दिया था। और किसान 3 से 4 महीना खेतों में भी किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेरे कैमरा मैं एक किसान को दिखा रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं, कि किस तरह की स्थिति में बैठे हैं। तो साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि किसानों की परेशानी और तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आज किसान लोग यहाँ मंडी में धान नहीं बेचने के लिए हमारे समिति में आकर ज्ञापन दिए गए हैं। तो झिरीपानी समिति के अंतर्गत ग्राम झिरीपानी, कोकसरा, केंदुवन, सुपेबेड़ा, सेनमुड़ा, मोटरापरा, डुमरबहाल और कोकसरा 10 ग्राम आते हैं। अरे ये 10 गांव के करीब किसान, कितने किसान है रिकॉर्डेड धान बेचते हैं? धान बेचने के किसान की संख्या जो लगभग 1300 है, और जो यहाँ किसी कृषि ऋण लेन देन करने वाले 750 किसान हैं। तो 1300 किसान धान बेचते हैं हर साल। जी, कैमरा पर्सन गर्दा बेसा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभूमि।